नौणी पंचायत में पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस जिला आपदा प्रबंधन कमेटी सोलन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में नौणी एवं साथ लगती समरोड पंचायत के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए सामुदायिक रूप से किस तरह से बचाव कार्य किया जाए उसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं आपदा से बचाव की गुर सिखाने आई टीम ने लोगों को ये भी बताया कि सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र के नक्शे का पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान आपदा के समय सुरक्षित है और कौन कौन से स्थान जोखिम भरे हो सकते हैं, जिससे कि आसानी से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इस दौरान लोगों द्वारा अपनी पंचायतों के नक्शे भी बनवाए गए, जिससे कि लोगों को अपनी पंचायत क्षेत्र का पता चल सके कि कौन कौन से स्थान नदी नालों के पास है और कौन से स्थान सुरक्षित है, ताकि आपदा के समय ऐसे स्थानों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर या भवनों तक पहुंचाया जा सके। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमें अपने क्षेत्र के नक्शे का पता होगा। साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि आग लगने व बाढ़ आने वाली जैसी स्थितियों से किस तरह से निपटा जा सकता है। वहीं मास्टर ट्रेनी रोहित शर्मा ने बताया कि आज नौणी व समरोल पंचायत के लोगों को ये बताया गया कि सामूहिक रूप से आपदा के समय किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है और किस तरह क्षेत्र की मैपिंग करनी है आदि के बारे में ट्रेनिंग दी गई। हम भारत सरकार के द्वारा और हिमाचल सरकार के द्वारा एडीएम के थ्रू एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है आपदा रक्षक का, उसके हम मास्टर ट्रेनी हैं। आज हम समरोड और नौणी पंचायत में हैं और ये हमारे नौणी पंचायत के प्रधान श्री बलदेव जी हमारे साथ हैं। इसमें हमने इस पंचायत के लोगों को इन भविष्य में जो कभी कोई भी आपदा जैसे कोई दुर्घटना हो जाए या भूकंप आ जाए उससे बचने के लिए और उससे बचने के लिए हमने इनको जानकारी दी, इनको प्रैक्टिकली वर्क सिखाया गया ताकि अगर भविष्य में ऐसी कोई आपदा इनके ऊपर आए तो ये किस तरह से कैजुअल्टीज को कम किया कर सके। इसके लिए हमने यहाँ पर मैपिंग की, इस पूरे गांव का नक्शा बनाया और उसमें लोगों से देख पूछा गया कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे साधन हैं या और साधन के साथ उनको ऐसे खतरे से चिन्हित करवाया जो इनको लगते हैं कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनके सामने वो खतरे सामने हो और उन खतरों को दर्शाते हुए उनसे बचने के हमने इनको तरीके समझाए गए। भविष्य में अगर भूकंप आता है तो जैसे साधन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो जाते हैं तो वहाँ के लोग आपस में मिलकर किस तरह से एक दूसरे की सहायता कर सके और जो होने वाली हानि है उसको कम कर सके, इस तरह की जानकारी दी गई।